मतलब मेरी तरह का मलंग आदमी ने जब दिल किए निकल के उसके लिए नहीं, वैसे मलंगों के पास मेरे जैसे पैसे भी नहीं इसके, लेकिन आपका गैरेज टूर जल्द आएगा तो मलंग भी लोगों को क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल जो है अस्सलामुअलैकुम पापकुलर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर और पापकुल रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आप खेतन में हाजिर हूँ। बहुत से लोगों के मैं देख रहा था ख्वाहिश थी रजा साहब को दोबारा देखने की। इससे पहले मैंने और रजा ने तकरीबन 2 साल पहले रेंज रोवर का एक रिव्यू बनाया था। रजा साहब पार्कव्हील्स के सीईओ भी हैं, काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था कहाँ से लेकर आए इनको, तो ये किंग मेकर आदमी है, बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। तकरीबन 1 साल से ऑडी ई-ट्रॉन जला रहे हैं और इनके मैं पीछे पड़ा था, आज बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती इनको मैंने ना रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने टाइम निकाला। तो रजा पहले सबसे पहले हमारे यूज़र्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरियंट बता दें। वालेकुम अस्सलाम जी, ये जो है 2021 की ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्ट्स बैक है 50 क्वाट्रो। अच्छा अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स बैक और जो दूसरी है उसमें क्या फ़र्क है, एक को एसयूवी बोलते हैं एक को स्पोर्ट्स बैक बोलते हैं, ऐसे ही जी बाकी सारा कुछ सेम है। मतलब स्पोर्ट्स बैक जो है वो सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि पीछे से जो स्टाइलिंग है वो जो टिपिकली और भी मुख्तलिफ मेरे ख्याल में मॉडल्स के अंदर स्पोर्ट्स बैक टाइप ऑप्शन आता है जिसमें जो है पीछे से जो स्टाइलिंग है एसयूवी के अंदर आई थिंक जो आपकी हम स्क्रीन पे दोनों की तस्वीरें दिखा भी देंगे, ट्रंक जो है वो कनेक्टेड है, सही है, उसके साथ ही जो बैक स्क्रीन है और इस केस में ट्रंक जो है सेपरेट है, इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी फर्क है मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल है स्लांटिंग ज्यादा है उसमें। हाँ जी, उसमें वो बिल्कुल सीधा है, ये जो है वो इसमें ट्रंक अलहदा से है जिस तरह एक गाड़ी का ट्रंक होता है थोड़ा सा। यही से ली थी मुझे याद है, मैं और आप वॉक करते हुए आए थे और यहाँ गए थे। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी जी बेचनी है। ओ भाई आपने गाड़ी खरीदनी है, आप आओ ना यहाँ पे, मैं गाड़ी लेके क्यों आऊँ उधर? गाड़ी बेचने की टेंशन से होना है फ्री? हाँ भाई हाँ, तो यूज करो पार्क व्हील सेल इट फॉर मी। पार्क व्हील सेल इट फॉर मी, द हैसल फ्री वे टू सेल योर कार। इसके पीछे क्या रीजन थे कि स्पोर्ट्स बैक एक तो महंगी थी, कितनी महंगी थी? जब ये ली थी इसकी प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट होती रही हैं, आपको पता ही है पिछले 1 साल के अंदर तो ये कभी ऊपर और कभी नीचे। अरे यार जब हमने ली थी उसके 10 या 15 दिन बाद नीचे आ गई थी एकदम। तो जब मैंने ली थी उस टाइम जो नॉर्मल जो एसयूवी ई-ट्रॉन थी 50 क्वाट्रो वो इससे कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 10 लाख रुपए के करीब सस्ती थी, ठीक है, और ये 10 लाख महंगी थी मेरे ख्याल में। सही, और इसमें और जो है बेसिकली उसमें थोड़ी बहुत ऑप्शन का मेरे ख्याल सॉफ्ट क्लोज आते हैं उसमें? नहीं, उसमें भी कोई ऑप्शन तो एक तो गाड़ी जो है वो स्टैंडर्ड ऑप्शन तो सेम ही है। आई थिंक जो ई-ट्रॉन सादी वाली थी उसमें ज़्यादातर गाड़ियों में B&O साउंड सिस्टम ऑप्शनल था और प्राइवेसी ग्लास ऑप्शनल था। इसमें दोनों उन्होंने ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स बैक मंगवाई हुई थी उसमें सारों के अंदर स्पोर्ट्स बैक के अंदर प्राइवेसी ग्लास है, B&O साउंड सिस्टम है। तो ये जो सॉफ्ट क्लोज तो मेरे ख्याल में मैंने भी किसी भी ई-ट्रॉन SUV में नहीं देखा, कि मे बी आई एम रॉन्ग, बट ज़्यादातर जो SUV भी आई हुई है उसमें भी सॉफ्ट क्लोज वगैरह नहीं है और किसी स्पोर्ट्स बैग वैसे ही कम है और किसी स्पोर्ट्स बैग में भी मैंने देखा सॉफ्ट क्लोज। ठीक है, अच्छा फिर इस पे दो वेरिएंट थे 50 और 55, ठीक है, ये 50 और 55 में एक तो बेसिक बैटरी पैक का फर्क था, 71 kWh की बैटरी है, 95 है और थोड़ा बहुत हॉर्स पावर का फर्क था। रेंज जो क्लेम्ड इसकी कंपनी करती है वो 300 है, उसकी 400 है, आपको प्रैक्टिकल रेंज क्या मिलती है इसकी? सो प्रैक्टिकली रेंज जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि सोच के बताने बेचनी भी है। नहीं मैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सच बोलूंगा जो भी बोलूंगा। तो बात यह है कि कंपनी जो मर्जी क्लेम करती रहे वो साथ एक छोटा सा एक लिखा होगा 1 या 2, वो नीचे जाके आप फाइन प्रिंट में पढ़ेंगे तो उसके साथ पता नहीं क्या कुछ लिखा होगा। सही है, तो रेंज जो अगर प्रैक्टिकली बात की जाए ना रेंज की, तो ये गाड़ी के अंदर दो इसमें ना आप चार्जिंग रेंज सेट कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर आपने कितनी जो है ना वो गाड़ी को चार्ज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कार में जाएँ, इसमें बैटरी 80 और 100% हाँ चार, तो बेसिकली रिकमेंडेड ये होता है कि आपने गाड़ी को जो है ना वो अगर सिटी ड्राइविंग में यूज़ करना है तो उसकी आप टारगेट रेंज 80 रखते हैं, यानी कि वो गाड़ी सिर्फ 80% चार्ज होगी अगर आपने उसको सोर्स से लगाया हुआ। सही है, तो मैं तो अभी तक कहीं इस पे पिछले 11,280 किलोमीटर चल गई और मैं कहीं नहीं गया शहर से बाहर। सही है, तो हमेशा 80% पे चार्ज है। ये पाकिस्तान का एक मसला है, मैं हमेशा वीडियो से हाईलाइट करूंगा, ये इंडिकेटर ना अपनी गर्दन से दे रहा है, ये मैं और आप कल भी बात कर रहे थे ना, इंडिकेटर नहीं देगा वो गर्दन से इधर इधर आपको बताएगा कि आप खुद गैस करें। अच्छा सॉरी बात कट रही थी, तो जो है जिस दिन ली थी उस दिन 215 80% पे जब चार्ज होती थी 215 किलोमीटर की रेंज देती थी। सही है, बट टू बी ऑनेस्ट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पूरा डॉट हिसाब किया हो कि जी आज मैं इसको 215 पूरा चलाया। अक्सर ये होता है कि आपकी गाड़ी चल रही होती है और तो उसके बाद आप दोबारा उसको चार्ज कर लेते हैं, तो कभी जिस तरह होता है ना कि आपने पेट्रोल डलवाया फिर आपने कुछ माइलेज 0 की फिर पेट्रोल डलवाया,
इस तरह मैंने मेजर नहीं किया, बट 215 थी। फिर एक ऑडी पे एक दफ़ा सर्विस वैसे ही रेगुलर जो सॉफ्टवेयर अब एक आ जाता है इसमें कि इतने अर्से बाद इसकी इंस्पेक्शन ड्यू है, वो ऑफ भी कर सकते हैं मेरे ख्याल में आप, बट वो गई तो उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया तो रेंज जो है 80% पे 230 पे चली गई, उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज किया। बट ये बड़ी वेरी करती है, कभी वेदर के हिसाब से वेरी कर रही होती है। अब जो है वो थोड़े अर्से पहले से मैं देख रहा हूँ कि अब मैं जब इसको 80% चार्ज कर रहा हूँ ये 195-200, तो ऑडी वालों का कहना है कि जी आपका ड्राइविंग स्टाइल जो है वो, तो इसमें इतने एक वेरिएबल्स आए तो आप इसमें ज़्यादा ना सोचें ही ना ड्राइविंग रेंज के जी कितनी है, बस आप समझें कि 200 के करीब है। अगर 80% अगर आप चार्ज करेंगे जो कि रिकमेंडेड है एवरी डे ड्राइविंग के लिए, तो फिर आप बस 210-215 को जेन में रखें। और अगर इसको आप पहले दिन से जेन बना लेंगे ना कि एक सिटी कार है और इसकी यूटिलाइजेशन सिर्फ सिटी में है, तो फिर आपको हाँ तो फिर आप इसको अगर फिर आपको रेंज का मसला इसलिए नहीं होगा। जैसे मेरी टोटल ड्राइव देंगी की कोई 30 किलोमीटर है, अगर आप देखें मैंने 13-14 महीने हमने जून में ली थी, 17 जून को मेरे ख्याल में, तो 15-16 महीने हो गए, तो उसमें 30 किलोमीटर डेली के हिसाब से 1000 किलोमीटर महीने की चली, अभी 11000 चली है। तो मेरे ख्याल में 2 या 3 ओकेजन हुए होंगे ऐसे कि जहाँ पे गाड़ी की रेंज जो है बिलो 50, मेरे ख्याल लोएस्ट मैंने जो देखी है वो 14 किलोमीटर पे आ गई थी तकरीबन। मौत का एक मंजर हमने रिंग रोड पे देखा था, हम वेरिया टाउन से आ रहे थे, वो भी एक दिन था, एक दिन था। अच्छा, तो उस तरह की रेंज एंग्जायटी वाला यानी वाकई शहर में नहीं होता वो, अगर एवरीडे ड्राइविंग में नहीं होता। एक दिन जिस दिन हम बहरिया टाउन गए थे, उस दिन मैं सुबह पहले खुद बहरिया टाउन गया, फिर मैं वापस गुलबर्ग गया, गुलबर्ग से मैं वापस डिफेंस गया, फिर डिफेंस से हम दोबारा ऑल द वे बहरिया टाउन गए। तो उस दिन जिस दिन वापस आए थे उस दिन कभी कभी नॉन प्रैक्टिकल हुई थी यार, जिस दिन रैली जीते थे ऐसे गार्डन पे सुबह लेके गए थे, शाम को नहीं जला। सो ये भी है कि अगर आप घर में, अब चार्जिंग की अगर बात करें तो इसके साथ जो अपना इसमें दो चार्जर आते हैं, एक बिल्कुल ही जो आप 3-फेज कोई भी प्लग में लगा दें जो कि गाड़ी के अंदर ही पड़ी होती है केबल, जो बिल्कुल स्लोएस्ट है, वो तो अगर आप चार्जिंग पे लगाएंगे वो किसी भी नॉर्मल सॉकेट में लग सकती है वो केबल और गाड़ी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। बट वो मोबाइल चार्जर की तरह अब वो लेकिन 24-25 घंटे पे चार्ज करेगी। जो इसका घर के अंदर चार्जर आपको वॉल माउंटेड मिलता है जिसके साथ आपको वॉल माउंटेड मिलता नहीं, ये भी सवाल पूछना, वो आपको अपने पैसे खर्च करके लगवाना पड़ता है? नहीं नहीं, चार्जर मिलता है जो उसके पीछे आपको पूरी डीबी बनवानी पड़ती है कि सर्ज कंट्रोल और वो आपको, तो आपका 2-2.5 लाख रुपए, 1.5-2.5 लाख रुपए आपका एडिशनल ये लगेगा कि जहाँ भी आपकी गाड़ी पार्क होती है। अब 3.5 हो गया आई एम श्योर, तो जहाँ भी गाड़ी पार्क होगी वहाँ पे आपको पहले तो एक काफ़ी हैवी ड्यूटी तार लानी है, और फिर उसके बाद वहाँ पे आपने एक डीबी बनवानी है जिसमें सर्ज प्रोटेक्शन और जो है वो ब्रेकर्स श्रेकर्स लगेंगे ताकि आपका आगे चार्जर ना उठ जाए। मैंने अभी रिसेंटली देखा किसी का चार्जर ही मेल्ट हुआ हुआ था अंदर, वो मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ, बट वो शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, वो 11 किलोवाट आवर चार्ज करता है। इसकी 71 किलोवाट आवर बैटरी है ना, तो बेसिकली इसमें यूजेबल जो होती है वो 65 के करीब होती है, और आप 11 के हिसाब से देखें तो 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो आपकी 80% आपने चार्ज करनी है तो 5-6 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए इसको चार्ज करने में। सही है, 5-6 घंटे अगर आप गए हैं और आपने अब दिन में चला दी है, जिस तरह हम उस दिन गए थे सुबह बहरिया टाउन गए, वापस आए, फिर बहरिया टाउन गए, अब जब बहरिया टाउन से वापस आए तो 30-40 रह गई थी, तो फिर 6 घंटे ये गाड़ी यूजेबल नहीं होगी। बट वो दिन मैंने बताया ना कि पिछले पूरे साल में ऐसे दिन कोई आया नहीं है अभी तक। So, अगर कोई वेल प्लान्ड आदमी हो जिस तरह से दफ्तर आना है जाना है, ये वो मतलब मेरी तरह का मलंग आदमी नहीं जब दिल किया निकल के उसके लिए नहीं, वैसे मलंगों के पास मेरे जैसे के पास पैसे भी नहीं इसके, लेकिन आपका गैरेज टूर जल्द आएगा तो मलंग भी लोगों को क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल जो आदमी है जिसने यानी दफ्तर जाना और 100 किलोमीटर, तो इट्स नॉट एन इशू मेरे ख्याल में। वेल प्लान्ड भी ना हो, बस आपकी रेगुलर यूज, मेरा नहीं ख्याल, अगर मेरी तो इतनी ड्राइविंग नहीं है, बट अगर आपकी बहुत भी ड्राइविंग हो 100 किलोमीटर होगी डेली। एक अच्छी चीज ये भी है कि अब तो इंडस्ट्रियल चार्जर भी लगने शुरू हो गए हैं, मतलब जब आपने गाड़ी ली थी मेरे ख्याल लाहौर में एक था वो वहाँ पे ठोकर पे था, अब गिरजा चौक पे भी लग गया है, इस तरह डिफरेंट जगहों पे भी लग रहे हैं, मोटरवे पे भी अब लग गए हैं। हम बड़े अरसे से प्लान करते हैं कि इसको मोटरवे पे लेके जाएं, और अनकरी वैसे यूजर हम एक टूर लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स का, तो और वो बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो की उसके लिए भी आपको बताते रहेंगे कि किस तरह कब आनी है कैसे नहीं आनी। अच्छा साहब, एक और सवाल लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब लोग गाड़ियाँ लेते हैं तो ये गो ग्रीन का एक नारा है पूरी दुनिया में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक नारा है कि जी बड़ी ग्रीन जिसे कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरी चीज़ होती है जो इसका सेलिंग पॉइंट है कि जिसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है, ठीक है, बट मुझे याद पड़ता है कि आप जब भी इसको भेजते हैं आपके 10-15 हज़ार रुपये खुल जाते हैं। तो एक तो पहली बात है कि अगर आप बहुत ही मोटा मोटा हिसाब करें ना, तो अभी जिस तरह गाड़ी कह रही है 22.8 किलो वाट आर पर 100 किलोमीटर, तो मैं यूज़र्स के लिए इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। 22.8 किलो वाट आर का मतलब है 23 बिजली के यूनिट हो गए, 23 यूनिट लग रहे हैं 100 किलोमीटर पे। आजकल यूनिट की प्राइस आप बेरी करती है, एक यूनिट पे 4 किलोमीटर हुआ नहीं, बट आप यूनिट की प्राइस अगर आप देख लें तो 23 यूनिट लग रहे हैं, 50 रुपए बनते हैं आजकल, तो 40 की आप या
35 की 40 की एवरेज लगा लें, 23 के ऊपर के हिसाब से आपका समझें कि 1200 कुछ रुपए जो है ना वो 100 किलोमीटर पे लग रहे हैं। अब इसको आप फ्यूल में कन्वर्ट कर लें, 1200 रुपए का आज कितने लीटर पेट्रोल आएगा? 6 लीटर भी नहीं आता, 5 लीटर आएगा। तो 5 लीटर में 100 किलोमीटर चल रही है, 20 की एवरेज है। जब पेट्रोल 160-170 का था तो ऑब्वियसली ज़्यादा पेट्रोल आ जाता था 1200 रुपए में, और बिजली भी थोड़ी सस्ती थी, बट पेट्रोल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो आप अगर देखें तो ये गाड़ी जो है ना इस टाइम 20 की एवरेज कर रही होगी। लास्ट टाइम मैंने जब प्राइसेस चेंज होती हैं उसकी वजह से ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, बस 15-16 से 20 के दरमियान आप समझे आपको अगर फ्यूल के इक्विवेलेंट आप देखें तो ये आपने फ्यूल इक्विवेलेंट गाड़ी के कंपेयर करना हो तो ये 17-16 से 20 के दरमियान करेगी। जो एक हाइब्रिड गाड़ी की एवरेज होती है और अगर रुपये में निकालें तो 12 रुपये पर किलोमीटर आ गया, वो तो ठीक है। लेकिन जो मेरे ख्याल में जो एक गो ग्रीन का नारा डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बट अगर आप लोगों के जहन में अगर ये है ना कि जी इससे कोई मैसिव फ़र्क पड़ जाएगा, जी ये मुफ्त में चलती है या ये तो जो है ना ऑलमोस्ट फ्री के करीब होती है इसकी यूटिलाइज, ऐसा नहीं है। तो ये मतलब ये इसकी प्रॉब्ली इससे काफ़ी सारी हाइब्रिड गाड़ियों की एवरेज इससे बेहतर होगी, जो कि अगर आप प्योरली फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से देखें। एक फायदा है अगर आपने बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहे हो, घर पे भी सोलर लगाया है, फिर तो आपकी कॉस्ट बड़ी इफेक्टिव हो जाएगी। बट घर में प्रॉब्लम यह है कि आई थिंक उसमें भी ऑफ पीक और पीक आवर्स हैं, आपने रात के टाइम गाड़ी खड़ी करनी है घर जाके, तो वो आपने रात के टाइम जाके गाड़ी चार्ज करनी है, उस टाइम सोलर तो कोई एनर्जी नहीं दे रहा होगा, आपने वापडा से ही चार्ज करनी है। तो आई डोंट नो कि वो मैंने लगाया नहीं है बट उससे कितना फर्क पड़ता है। सही है, एग्रीड। और मेंटेनेंस कॉस्ट पे आ जाते हैं, टायरों की होनी है, ब्रेक पैड्स की होनी है, उसके अलावा तो कोई कॉस्ट नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट ये है कि इस पे जमाना बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मर्सिडीज़ EQC 400। सो नेचुरली जो है वो इसमें कुछ अर्से बाद ये जिस तरह अभी आ रहा है, इसमें अब आ रहा है कि इंस्पेक्शन ड्यू होगी, वो जो पाना बना रहा है, ये पाना इंसान के दिमाग में फिट हो रहा है। मैंने उस दिन देखा है दूसरी e-tron के अंदर के, इसमें जो है वो ये पाने को आप बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है वो 10,000 रुपये मेरे ख्याल में लेते हैं वो इसकी पाना कितने से बात आता है, ये दूसरी दफ़ा आया इसकी लाइफ में, यानी साल में आया है। उसमें 5,000 किलोमीटर पे का, उसमें मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें करते हैं, बट सॉफ्टवेयर लास्ट टाइम गया था तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था जिससे रेंज पे फ़र्क पड़ा था। उसके अलावा इसकी डेफिनेटली कोई मेंटेनेंस नहीं है कि पिछले साल में कोई ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर कोई देखा जाए तो मिथ तो फिर ब्रेक होगी ना कि 0 रुपीज़ तो ना 2 रुपये पर किलोमीटर। मतलब अब जो आपने वो बिल्कुल उसको आप लकीर के जैसे कहते हैं ना फकीर के फकीर कह रहे हैं उस तरह सोचेंगे कि जी 0 हो जाएगी तो मतलब इस तरह। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग होते हैं ना, लोग कहते हैं जी बिल्कुल 0 है, जाना ही नहीं है तो जाना पड़ेगा। आप इसको अगर मेरे ख्याल में e-tron की सक्सेस की वजह ये नहीं है कि लोग जो है वो इसकी फ्यूल है नहीं, वो भी कुछ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, बट मेन रीज़न ये थी कि इस वैल्यू फॉर मनी में कोई और गाड़ी इस जितनी वैल्यू डिलीवर नहीं करती थी जब इसकी वो प्राइसेस थी जब मैंने ली थी। अच्छा, आप तो, उस पे आए थे, बड़े इंटरेस्टिंग तो जो है वो ज़्यादातर लेने की वजह ये थी कि इतनी फीचर लेडन कार जिसके अंदर इतने सारे ऑप्शन हो, ड्राइव क्वालिटी हो, सारे मतलब आपको जो है मेमोरी सीट्स और इलेक्ट्रिक सीट्स, यू नो पैनोरामिक रूफ और गाड़ी की लुक, सारे फंक्शन है इसमें, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट, मतलब इसमें रडार नहीं, रडार नहीं है इसमें, रडार इसमें अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है इसमें, रडार नहीं है। अच्छा, वैसे फिर इसका मतलब तो पाकिस्तान में आने वाली कई चाइनीज गाड़ी से उस लिहाज से पीछे मेरे से ऑटो डिमिंग मिरर है। मैंने वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं है, और एडास के फंक्शन जो आपने बताया अडॉप्टिव क्रूज नहीं है, मेमोरी सीटें हैं, मैं कहीं पढ़ा था कि बल्कि ग्लोबली इसकी जो था एक ऐप होती है कि अपने ऐप के थ्रू गाड़ी को ट्रेस करते, पाकिस्तान में वो भी नहीं चलती। सुनील साहब ने आज लग रहा है काफी विकिपीडिया पर रिसर्च। नहीं, मैंने एक रिव्यू देखा है, हमारे पार्क व्हील के मेंबर है, उन्होंने बेचने की वजह ये बताई है कि जी मेरी गाड़ी में जो सबसे पेन पॉइंट था ना उसके बेचने का, वो भाई ने बताया था कि जी मेरे के जी उसमें ऐप दुनिया में चलती है और आप गाड़ी का मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि आपने मैं अगर वो ब्रोशर लेके बैठ जाऊँ कि जी इसमें ये है ये नहीं, आपने अभी पूछा है कि इसमें ऑटो डिमिंग, मेरे ख्याल में मुझे कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि पीछे से मुझे लाइट आंखों में पड़ी है, वो ऑलरेडी उन्होंने नहीं, उन्होंने ऑलरेडी मे बी टेक्नोलॉजी उस तरह बिल्ड की हुई है। दूसरी चीज़ ये कि मैं कहीं शहर के अंदर जब गाड़ी चलनी है शहर में है तो अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल की मुझे नहीं पता कि इसमें क्या मैंने किस तरह शहर में उसको इस्तेमाल करना था। तो ये फीचर लोग कहते हैं जी ये भी है ये भी, उसमें से यूज़ कितने हो रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना कि आपने यूज़ कितने फीचर करने हैं। तो ठीक है, मुझे तो नहीं फील हुआ। हाँ, मतलब जो है वो आपको ड्राइविंग में थोड़ा सा शुरू में आपको एक गाड़ी एक भारी फील होगी, नेचुरली इसका वेट ज़्यादा है, इसमें काफ़ी बैटरी पैक लगे हुए हैं, तो आपको ड्राइविंग में थोड़ा सा ये है कि आपको शुरू में जब मैंने चलानी शुरू की तो मुझे लगा कि इसकी ब्रेकिंग थोड़ी मुश्किल लग रही है, बहुत मुश्किल है, तो आपको एक कॉर्नर्स पे भी टर्निंग करते हुए आपको गाड़ी की एक फील होगी कि आप कोई हैवी चीज़ मोड़ें
और दूसरी चीज़ है कि ब्रेकिंग में भी अब तो खैर यूज्ड टू हो गया हूँ, लेकिन आपको ब्रेकिंग में भी ये फील होता है। और बाय द वे इनकी आई डोंट नो बट टेस्ला में तो इसमें जो मोटरें लगी हुई हैं वो जब आप ब्रेक एक्चुअली ब्रेक पैड्स के बजाय आपकी मोटरें ब्रेक कर रही होती है गाड़ी को, ब्रेक बिल्कुल एंड में इस्तेमाल हो रही होती है, तो इसकी ब्रेक की लाइफ भी नॉर्मल गाड़ी से होपफुली ज़्यादा। अभी ये नहीं पता कि इसकी ब्रेक चेंज करने अगर पड़ गई तो उसके पैसे कितने होंगे, बट आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा होंगे। बट उम्मीद है कि इसकी ब्रेक की लाइफ बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज इसमें मोटरें ब्रेक करी होती हैं और वो रिवर्स जब चलती हैं तो वो बैटरी चार्ज कर देती हैं। सही। अच्छा अभी बात करते हैं, जब ली थी गाड़ी और जिस प्राइस पॉइंट पर थी, बहुत से लोगों ने इसलिए ली कि उनको वही था गो ग्रीन का नारंग था, और मेरा जब आपने ली थी उस ज़माने में इस गाड़ी की प्राइस में 2008 के क्रूज़र रहता था, अब जो प्राइसेस एकदम बढ़ गई हैं, आरडी लग गई है, इस टाइम पे इसकी क्या है? मुझे याद नहीं है, आप बड़े खुश होंगे आपकी गाड़ी बढ़ गई है 3 करोड़ के करीब, 3.20 है इनवॉइस। ये जो स्पोर्ट्स बैक है वो मेरे ख्याल में 359 की है, 359। हाँ जी, और जो शादी वाली है वो जो SUV है जिसको मैं सादी, अगर कंपैरिजन में देखें, मेरे सवाल का मकसद ये था कि 2008 के क्रूजर के सब्स्टिट्यूट के तौर पे अब ये 2017 के क्रूजर के प्राइस में आ गई है। जी बिल्कुल आ गई है, लेकिन ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज के अंदर फिर जब लोगों के पास जब प्राइस, मतलब आप प्राइस इसकी, मैं किसी को ये कहता हूँ इसकी प्राइस 8 करोड़ भी कंपनी कर सकती है, बट इसका ये मतलब प्राइस अट्रैक्टिवनेस वो नहीं रहेगी जो पहले तो भी अभी ये है कि ऑब्वियसली इसकी जो है वो शायद इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा सेल ना हो रही हो, नेचुरली यूज मार्केट के अंदर आपको इससे नीचे पे मिल जाएगी गाड़ी, बट ऑब्वियसली जिस प्राइस पे मैंने ली थी उससे भी, मैंने मेरे लेने के बाद उससे भी नीचे चली गई थी, तो मुझे ही 10 दिन बाद ये गाड़ी अच्छी खासी सस्ती हो गई थी जब पॉलिसी चेंज हो गई थी। तो बहरहाल प्राइसेस फ्लक्चुएट की हैं, और अब ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तो फिलहाल जो है इस पे 100% RD लगा दी है, तो इस वजह से महंगी हो गई हैं। हाँ बट वो प्रैक्टिकल प्राइस नहीं, आई एग्री विद यू, वो जब आना शुरू होंगी या अभी इस प्राइस पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी गाड़ी मंगाएगा। अच्छा पार्ट्स के बारे में अक्सर लोगों को होता है यार गाड़ी लेते, बिकॉज मुझे पता है कि एक तो रैली आप करते रहते हैं बड़े शौक से करते हैं, और उसमें हमने ये सीखा है कि टोयोटा जो है वो टोयोटा का विनिंग पार्ट पे है। ये गाड़ी लेते हुए ये सोचा था कि यार ये पार्ट्स इसके अगर लग गए खुदा ना खास्ता तो महंगे होंगे, और अगर महंगे हैं अवेलेबिलिटी के बारे में कोई रिसर्च की थी कि बस जैसे ऐसे ही ले ली? मेरा सिर्फ ये एक पॉइंट है कि आई थिंक ऑडी अगर जर्मन या लग्जरी गाड़ियों में देखा जाए तो मेरे ख्याल में ऑडी ने अपनी मार्केट में एक काफ़ी अच्छी प्रेजेंस बनाई है पाकिस्तान में। उन्होंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया मेरे ख्याल में, इसके बाद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं किस सबसे एंड में आया, सबसे एंड में आया, फिर A4 A5 A6 में एकदम उन्होंने मार्केट काफ़ी कैप्चर की, और फिर इलेक्ट्रिक में वो सबसे पहले आ गए। तो और उनके आप सर्विस सेंटर जाएँ तो मैं 2-3 दफ़ा मेरा इतफाक हुआ, और उसमें काफ़ी सारे लोगों से हेलोए भी है, तो आई थिंक वो काफ़ी ऑडी के साथ, आपने ऑडी लिया तो आपको एक ये फीलिंग होती है कि यार इनकी ना आफ्टर सेल सपोर्ट जो है ना वो प्रोफेशनल है, ठीक है, और ये एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है, तो आपको ये नहीं होगा कि ये एकदम से पता चलेगा जी ये कंपनी नहीं रही। अच्छा। तो सिंस ये गाड़ी वारंटी में है और इस गाड़ी के पीछे कंपनी है जिसके 3 शहरों में इनके सर्विस नेटवर्क है और वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, आप देखें इतनी बड़ी जगह पर उनका शोरूम भी है, तो मुझे लगता है कि पार्ट्स की हाजिर अवेलेबिलिटी कितनी है, ऑब्वियसली आजकल LCs का इशू है और चीज़ों का इशू है जो है, तो उस वजह से कितनी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कितनी जल्दी आपकी गाड़ी का पार्ट फ़ौरन अवेलेबल हो जाएगा, मैं इसमें तो मेरे पास इतनी डिटेल नहीं है कि कितना उनका पास स्टॉक होगा। आई एम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान किया। ये आप बात की है क्योंकि कई लोगों ने रीच आउट किया हमें कि जी ऑडी के बारे में आप लिखें कि जी वो पार्ट हमें देर से दे रहे हैं। मैंने कहा अगर वो वारंटी में क्लेम कर रहे हैं और एक चीज इंपोर्ट होनी है तो ये अंडरस्टैंडेबल है, उसमें टाइम लगता है। आप पार्ट की बात करें, इस टाइम लोग गाड़ी देर से दे रहे हैं तो पार्ट तो जो है वो एक सेकेंडरी चीज हो जाएगी, और कुछ कंपनियां तो यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी भी होंगी जिन्होंने सिर्फ गाड़ियां बेचती हैं और अपना शायद सही तरह से सर्विस नेटवर्क ही नहीं बनाया, तो जो है इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में द फैक्ट एक मार्केट रियलिटी है, गवर्नमेंट ने LCs टाइट की हुई हैं और नहीं आसानी से आप पार्ट्स इम्पोर्ट कर सकते, तो वो प्रॉब्लम एक अंडरस्टैंडेबल है, बट मेरा इतना कोई मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। आखिर में कोई चीज़ जब आप इंसान गाड़ी लेता है कि यार मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, कोई चीज़ मिस करती हूँ यार ये भी होनी चाहिए तो कमाल ही हुई थी वो बात, हमने वो हमने बात पहले, एक तो ये कि गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, ड्राइविंग प्लेजर है, यू नो कम्फर्ट है, उसकी फील बहुत अच्छी है गाड़ी की, ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, लुक वाइज भी बड़ी अच्छी है गाड़ी, सिर्फ जो चीज़ आपने अपनी एक दफ़ा दिमाग में पीस जिसके साथ बनाना है वो यही है कि आपका दिल किया कि चलो यार मुल्तान चलें, या दोस्तों का प्लान या फैमिली के साथ आपने कहा जी इस्लामाबाद जा रहे हैं डे ट्रिप के लिए, तो आपको इस तरह की चीज़ के लिए बस इट्स अ वेरी गुड सिटी कार, तो बस आपको जो चीज़ एक मिस होगी वो ये होगी कि इसमें वो जो फ्रीडम जो कि सिर्फ आपके दिमाग में ही ज़्यादा होता है,
आपकी यूटिलाइजेशन से बाहर जाने के लिए। क्योंकि जब मैं भी ले रहा था तो हर बंदे ने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि मेरे जहन में था कि यार ये हम ये नहीं कर सकेंगे ये नहीं। उसने कहा यार अपने पिछले एक साल में देखो तुम कितनी दफ़ा शहर से बाहर गए हो। तो मैंने जब ये रियलाइजेशन हुई तो मैंने वाकई मैं तो साल में एक दफ़ा जाता हूँ या दो दफ़ा जाता हूँ, तो इतना कोई बहुत बड़ा, ज़्यादातर लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता कि वो जी ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। तो सिर्फ यही चीज़ है कि काश जब अगर ये अभी जिस तरह फास्ट चार्जर्स लग रहे हैं, अभी भीरा पे लग गया है, PSO ने लगाया है, इधर लग गया है, ये मैटर ऑफ टाइम है कि और ज़्यादा फास्ट चार्जर्स। अब सोचें सुखे की कलर का हार पाकिस्तान में जब तक जो है ईवी मैस सेगमेंट में नहीं आएगी उस टाइम तक ये इसकी ROI जो चार्जर्स हैं, क्योंकि जो फास्ट चार्जर है वो 150 किलोवाट आवर पे चार्ज करता है, जो घर का चार्जर है वो 11 किलोवाट आवर पे चार्ज करता है, जो 150 वाला है वो 25-30 मिनट में 80% गाड़ी चार्ज कर देता है। अभी तक वैसे मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली कि मैं उस पर चार्ज करूँ, बट 11 वाला जो है वो नेचुरली बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने इस्लामाबाद भी जाना हो तो आप बस ये है कि आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। हम आपस में यही मजाक कर रहे थे कि आप पता चले वहाँ पहुँचे जी वो कहें जी बिजली गई है जी दो दिन, तो या साढ़े आगे दो गाड़ियाँ लाइन में लगी तो कैटा दो गाड़ियों का तो वेट कर सकते हैं। असल मसला वो जी साड़ी नोजल ख़राब हो गई सी, ये क्या हो रहा है गाड़ी, तो वो तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने जो है वो कोई दो रास्ते में आपने प्लान करके जाना है, आप मतलब मैं अगर जाऊँ तो मैं पहले भीरा पे किसी के रेफरेंस के थ्रू कोई फ़ोन करके पहले पूछूंगा जी आपका चार्जर चल रहा है, क्योंकि अगर आप वहाँ पहुँच जाएँ और फिर चार्जर ना चल रहा हो तो फिर आप जो है वो एक मुसीबत में आ जाएंगे। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बैट ये भी है जो मेरी आपकी लगी हुई, जो हमने इलेक्ट्रिक व्यू करना टूर उसमें दिस वर्सेज अ नॉर्मल स्मॉल गैसोलीन कार, मेरा ख्याल है उसको अगर हम स्लो एंड स्टडी विन द रेस करें तो शायद वो जीत भी जाएगी। मेरे ख्याल में वो तो डेफिनेटली जीत ही जाएगी, इसको तो रुकना ही रुकना है। आई थिंक गिवन दैट कि ये जो आपको पता है जब आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं कितने पैसों में खरीद रहे थे, क्या इसके सब्स्टिट्यूट थे, इतने पैसों में बहुत अच्छी ऑप्शन थी, और मेरे ख्याल से यू आर वन ऑफ द सेटिस्फाइड कस्टमर, साल हो गया है अब आपने उसको अपग्रेड कर लिया, अगली गाड़ी का भी हम इंशाल्लाह रिव्यू बनाएंगे। और ये गाड़ी राजा साहब ने वैसे सेल पे भी लगाई हुई, उसका लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं गाड़ी तो नीचे लिंक है, उस पर आप क्लिक करके एड पे पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट फ़ोन करके रहा था आपको तंग ना करें कि हमने आपकी तस्वीर देखनी है, आपसे बात करनी है, खाली गाड़ी के लिए अगर व्हाट्सएप करना तो ज़रूर करें। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरने वाकियों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।